वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फीलिंग गुड गाइस। तो आज का वीडियो होने वाला है पार्टी वेयर हॉल। जब भी ऑनलाइन शॉपिंग की बात होती है, पार्टी वेयर की बात होती है, तो मैं इंडिया ब्रांड के कपड़े आपके साथ जरूर शेयर करती हूँ, क्योंकि उसमें आपको बहुत अच्छे यूनिक कलेक्शन मिलती है। इंडिया ब्रांड मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट है, मैं पार्टी वेयर बहुत ज्यादा पहनती हूँ इंडिया ब्रांड की, तो वही मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। क्रॉप टॉप, प्लाजो, दुपट्टा, स्कर्ट, सारे आइटम्स मैं पेयर करके आपको पूरा लुक बुक क्रिएट करके दिखा रही हूँ हमेशा की तरह। और जितने भी प्रोडक्ट्स लिंक है आपको माय हॉल स्टोर पे मिलेगा, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कीजिए माय हॉल स्टोर एंड ज्वेलरीज के लिए क्लिक कीजिए माय ज्वेलरी कलेक्शन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। एंड अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज गाइस मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट जरूर से करना कि कौन सी क्रॉप टॉप या प्लाजो दुपट्टा क्या आपको पसंद आया, फीडबैक जरूर देना। एंड नाउ विदाउट अ फर्दर लेट्स गेट स्टार्टेड। माई फर्स्ट आइटम इज दिस डस्टी पिंक एम्ब्रॉयडर्ड एथनिक जैकेट और गाउन। सो टू पी सेट है ये, आप इसे सेपरेट भी यूज़ कर सकते हैं। स्लीवलेस गाउन है ये, इसकी वेस्टलाइन की फिटिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। नीचे जो फ्लेयर बन रही है फिटिंग के बाद गाइज, वो बहुत सुंदर है। इनर लाइनिंग के साथ है, 100% पॉलिस्टर मटेरियल है। साइज मेरा इस पर मीडियम है। फ्रंट पे पूरी सीक्वेंस का वर्क है, वो मुझे बहुत सुंदर लगी। इसका कलर कॉम्बिनेशन गाइज बहुत सुंदर है, डस्टी पिंक एंड गोल्डन का जो वर्क है। आपको फल्स मिल रही है जैकेट पे, जो बहुत सुंदर है। आप जैकेट सेपरेट भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि अटैच नहीं है। स्लीवलेस गाउन है, अगर स्लीवलेस पे आप कंफर्टेबल हैं तो आप स्लीवलेस गाउन भी यूज़ कर वेयर कर सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर लगेगी। और जो कंफर्टेबल नहीं है वो ये केप डाल के वेयर कर सकते हैं। इस पर मेरा साइज़ मीडियम है, फिटिंग बहुत अच्छी आ रही है, इनर लाइनिंग भी है, बहुत फ्लोई मटेरियल है इसका। एंड इस पर मैंने बहुत ज़्यादा ज्वेलरी नहीं डाली है क्योंकि ड्रेस खुद में एक स्टेटमेंट ड्रेस है। सो इस पर आपको बहुत हेवी ज्वेलरी डालने की जरूरत नहीं है, वेडिंग पार्टीज और बर्थडे पार्टीज में आप वेयर कर सकते हैं। मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताएं। इस पे एक और कलर अवेलेबल है, येलो कलर, अगर वो अवेलेबल हो लिंक मुझे मिलेगी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इस पे मैंने रैंडमली कोई भी इयर रिंग पिक कर लिया, मुझे पता नहीं ये कहाँ से मैंने लिया है। आप कोई भी इयर रिंग इस पे डाल सकते हो, लॉन्ग स्मॉल सब बहुत सुंदर लगेगी। सब कॉमेंट जरूर से करें। माई नेक्स्ट आइटम इज दिस ब्लाउज एंड साड़ी। सो सेपरेट मैंने से लिया है, ब्लाउज अलग से लिया है, साड़ी अलग से ली है, दोनों को मैंने साथ में पेयर करा है। सो ब्लाउज मटेरियल 70% सिल्क, 30% पॉलिस्टर है, नेट मटेरियल है, इस पर सीक्वेंस का वर्क है जो कि बहुत ज़्यादा गॉर्जस लग रही है। इस पर मेरा साइज मीडियम है। एंड गाइज ये रफल साड़ी आती है, जो 1 मिनट साड़ी है, लाइक अटैच पल्लू के साथ, जिसपे आपको ये गोटा पट्टी डिटेलिंग मिल रही है जो बहुत अच्छी क्वालिटी की है। एंड पूरे पल्लू एरिया में आपको रफल्स मिल रही है जो इस साड़ी को बहुत सुंदर बना रही है। बहुत ज़्यादा फ्लेयर नहीं है, बट जितनी साड़ी पे होती है उतनी फ्लेयर है, इसलिए बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। ये स्कर्ट साड़ी, मैक्सी साड़ी या फिर 1 मिनट साड़ी, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो जिनको भी साड़ी पहनने में चून एंड प्लीट्स बनाने में प्रॉब्लम होती है उनके लिए परफेक्ट है। ब्लाउज बहुत ज़्यादा गॉर्जियस लग रहा है साड़ी के साथ, तो मैं इसे 200% रिकमेंड करूँगी। अगर सब साथ में पहनोगे तो ये बहुत सुंदर लगेगी। मटेरियल बहुत अच्छी है, प्राइस, फिटिंग, साइज सब कुछ बहुत बढ़िया है। अगर आप किसी भी पार्टी में से वेयर करोगे ना तो अलग से ही लगोगे, लाइक इतनी ज़्यादा गॉर्जियस साड़ी है ये। सो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। ये मैंने सेल पे ली है, तो साड़ी मुझे 1200 रुपीज़ की मिली है एंड ये ब्लाउज मुझे 750 की मिली है। अभी का प्राइस गाइज आप ज़रूर चेक कर ले, माइट भी थोड़ा अप एंड डाउन हो सकता है। माई नेक्स्ट आइटम इज दिस 4 पीस। एक्चुअल में मैंने ये 4 पीसेज लिए हैं जो मैंने साथ में से वेयर करके दिखाया है, ये क्रॉप टॉप, श्रग एंड ये प्लाजो प्लस दुपट्टा। सो जब भी आप इंडिया ब्रांड के पेज पे जाओगे तो आपको ऐसे सिमिलर
टॉप स्कर्ट दुपट्टा सिमिलर मिलेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें साथ में पेयर करके आप दिखाई है। बस ये थोड़ा सा जो ब्लाउज़ है वो मैच नहीं कर रहा। रीज़न ये है, जब स्क्रीन पे आपको ब्लाउज़ दिख रहा है गाइज, मैंने ये ब्लाउज़ एक्चुअल में मंगाई थी, बट मुझे रिसीव कोई और ब्लाउज़ हुई। मैंने इसे अमेजोन से मंगाया था, 500 रुपीज़ में सेल पे थी, बट वो कुछ और ही भेज दिए, बट शूट करने के लिए मैंने इसे आपको दिखा दिया। एंड ये श्रग साथ में मैंने ली है, जिसपे बहुत अच्छे क्वालिटी की प्रिंट्स, फॉइल प्रिंट्स बनी हुई है। डिटेलिंग आप नेक लाइन पे देख सकते हो, पूरी लेसेस लगी हुई है जो बहुत सुंदर लग रही है। दुपट्टा पे जो लेसेस है चारों कोने पे, वो भी बहुत सुंदर लग रही है। एंड दुपट्टा पे आपको बहुत ही सुंदर सा पोल की डॉट्स मिलेगा, जो फॉइल प्रिंट्स बहुत अच्छे क्वालिटी की है। एंड उसके साथ मैंने ये धोती पैंट पेयर करा है। एक्चुअल में पेज पे लिखा हुआ है धोती पैंट, बट एक्चुअल में ये स्कर्ट है गाइस। सो ये इस धोखे में आप भी ना लें कि आपको पैंट मिलने वाला है, क्योंकि अगर पैंट मिलता तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल होता, क्योंकि स्कर्ट है तो ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। तो आपको इसे कुछ भी अंदर वेयर करना पड़ेगा, तभी आप इसे आराम से कंफर्टेबली वेयर कर सकते हैं। इसकी जो इनर लाइनिंग है बहुत शॉर्ट है, बहुत ट्रांसपेरेंट है एंड बहुत कंफर्टेबल नहीं है, बट हाँ स्टाइलिश बहुत बहुत ज़्यादा है। आप चाहें तो ऑल्टरिंग या फिर कुछ भी टेलर को देखे स्टिच भी करा सकते हैं, इसे पैंट भी बना सकते हैं। सो मुझे ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा पसंद आई। आप दुपट्टा के साथ श्रग या फिर प्लेन ब्लाउज वेयर कर सकते हैं, बहुत ही डिफरेंट तरीके से इन पीसेस को स्टाइल कर सकते हैं। मैंने बस आपको एक क्लिप में दिखाया है कि बहुत ज़्यादा वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, आप बहुत तरीक़ों से स्टाइल कीजिए। और मुझे इसका कलर बहुत ज़्यादा पसंद आया। श्रग पे मेरा साइज़ मीडियम है, दुपट्टे का लेंथ आप देख सकते हैं, लंबाई चौड़ाई बहुत 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 ज़्यादा है। दुपट्टा मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया, प्लाज़ो भी मुझे बहुत पसंद आया। अगर मुझे सेम ब्लाउज़ मिलती तो मैं और ज़्यादा मुझे ये लुक पसंद आती, बट ब्लाउज़ की वजह से थोड़ी सी लुक डिफरेंट हो जा रही है, बट इट्स ओके। आप वो चीज़ लेकर खुद भी ट्राई कर सकते हैं, मुझे नहीं मिली, बट आपको 100% गारंटी मिंत्रा से मंगाओगे तो सेम चीज़ मिलेगी। सो शर्ट पे साइज़ मीडियम है, ब्लाउज़ पे मीडियम है एंड प्लाजो पे साइज़ 28 है। तो कॉमेंट में बताना ये स्टाइल आपको कैसी लगी। माई नेक्स्ट आइटम इज दिस श्रग, अगेन केप स्टाइल श्रग है ये, एंड ये येलो क्रॉप टॉप है जिसपे मैंने स्कर्ट पेयर करा है, वो भी इंडिया ब्रांड से ही है। बट ये गाइस स्कर्ट बहुत पुराना है मेरा, अभी ये आउट ऑफ स्टॉक है, बट सिमिलर स्कर्ट मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये जो है इस पर मेरा साइज मीडियम है, केप पे भी एंड क्रॉप टॉप पे भी। मिरर वर्क बना हुआ है क्रॉप टॉप पे, स्लीवलेस है, इसलिए स्लीवलेस इस वजह से मैंने ये केप मंगाई है, जिसपे चारों तरफ आपको लेसेस मिलेंगी जो बहुत सुंदर लग रही है। कलर एंड क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, सो मैं 200% इसे भी रिकमेंड करूंगी। आप इसे वो अभी इससे पहले वाले प्लाजो पे भी स्टाइल करोगे तो बहुत सुंदर लगेगी। इस टाइम जब मैं शूट कर रही थी तब मुझे वो प्लाजो रिसीव नहीं हुई थी, तो मैंने इस पे शूट कर दिया। एंड किसी हल्दी फंक्शन के लिए गाइज ये ड्रेस तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मैंने इस पे बहुत सारे बैंगल्स डाले हैं, इयररिंग्स डाले हैं। इयररिंग्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, माई हॉल स्टोर माई ज्वेलरी कलेक्शन पे चेक कीजिए, वहाँ पे मोस्टली सारे ज्वेलरीज मैंने दिखाई है जो भी मैं अपने हॉल स्वीटों में वेयर करती हूँ। आपको कैसी लगी आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर से बताना। सो नेक्स्ट एंड लास्ट आइटम ये मैक्सी साड़ी है, जो बहुत ज़्यादा गॉर्जियस मुझे पर्सनली लगी, क्योंकि मैं इसे सिंपल ओकेज़न में भी वेयर कर सकती हूँ, जब भी मेरा मूड करे ये वैसी साड़ी है। सो ये स्कर्ट के साथ अटैच आपको पल्लू मिल रही है, पल्लू बहुत ज़्यादा लॉन्ग है इसलिए मैंने इस तरीके से इसका नेक पल्लू बनाया है। ये लेकर बस मैंने नेक पे राउंड कर दिया और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही, बहुत कंफर्टेबल है। इस पे आप क्रॉप टॉप के साथ वेयर करोगे लाइक नॉर्मल ब्लाउज के साथ, तो ये
बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इसकी वजह से मैंने स्वेटर वेयर करा है यहाँ पे और ये नेकलेस वेयर करा है, जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मुझे इसकी क्वालिटी जो है इंडिया ब्रांड की साड़ी की बहुत सुंदर लगी। जो भी गर्ल्स लाइक फेयरवेल पार्टी हो या फिर आप साड़ी पहनना चाहते हो बट एट द सेम टाइम आप साड़ी नहीं पहनना चाहते हो तो उनके लिए बेस्ट है। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर, मैं बहुत क्लोजअप दिखा रही हूँ कि कलर कॉम्बिनेशन येलो रेड बहुत सुंदर लग रही है एंड बहुत ही शाइनिंग मटेरियल है। साइड पे आपको जिप भी मिलेगी, फिटिंग आपको जो भी चाहिए लाइक मीडियम स्मॉल एक्सेल आपकी साइज की मिल जाएगी तो बेस्ट पार्ट है। आपको कैसी लगी आप मुझे कॉमेंट पे जरूर से बताएं, मुझे ये वाली ड्रेस भी बहुत ज्यादा पसंद आई। That's it for today's video guys. चलो जल्दी से एक थम्स अप दे दो क्योंकि आई नो कोई क्रॉप टॉप या प्लाजो या दुपट्टा आपको जरूर पसंद आया होगा और पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना एंड बहुत जल्द मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे। बाय गाइज़।